मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं स्टीम ब्रेड पॉकेट्स। ये खाने में जितने टेस्टी हैं उतने हेल्दी भी हैं और इन्हें बनाना बहुत ही इजी भी है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 4 ब्रेड के स्लाइस, 1 छोटी कटोरी बेसन, 2 उबले मैश किए हुए आलू, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, 1/4 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1/4 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच टोमेटो सॉस, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चुटकी हींग और नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और पैन में 1 चम्मच तेल डालकर तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, 1/4 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1/4 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालकर प्याज को हम चलाते हुए हल्का भूरा होने तक फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई होने के बाद इसमें हम डालेंगे उबले मैश किए हुए आलू, स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डालकर अच्छे से मिला देंगे और आलू को चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर इसे हम 2-3 मिनट तक भून लेंगे। अब ये आलू अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे और स्टफिंग को हम ठंडा होने देंगे। जब तक ये स्टफिंग ठंडी होती है, हम बेसन का घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। हम एक बाउल में डालेंगे 1 छोटी कटोरी बेसन, 1 चुटकी हींग, 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डालकर मिला देंगे। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल तैयार करेंगे। घोल हमने इस तरह बनाकर तैयार कर लिया है और ये स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड की स्लाइस को लेकर ब्रेड के किनारों को कट कर लेंगे। ये हमने सारी ब्रेड को इस तरह कट कर लिया है। अब हम एक ब्रेड की स्लाइस को लेकर उसे इस तरह प्रेस करते हुए बेल लेंगे। ये हमने चारों ब्रेड को बेलकर इस तरह तैयार कर लिया है। अब हम एक ब्रेड की स्लाइस लेंगे और उस पर हम आलू की 1 चम्मच के करीब स्टफिंग रख देंगे और ऊपर से अच्छे से फोल्ड कर देंगे और फिर ब्रेड को अच्छे से हम चिपका देंगे ताकि ये खुले नहीं। ये हमने चारों ब्रेड के इस तरह पॉकेट बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई में 2 कप पानी डालकर पानी को हम गर्म होने देंगे। जब तक पानी गर्म होता है, हम इस छलनी पर थोड़ा तेल लगाकर ग्रीस कर लेते हैं। पानी अब गर्म हो चुका है, उस पर हम इस छलनी को रखकर इस तरह सेट कर देंगे और ये बेसन के घोल को हम एक बार और चला लेंगे।
फिर हम ये ब्रेड के एक पॉकेट को लेकर बेसन के घोल में इस तरह डिप करेंगे और इसे हम चलनी पर रख देंगे। इसी तरह डिप करते हुए हम चारों पॉकेट्स को चलनी पर रखेंगे। और मीडियम फ्लेम पर इन्हें हम ढककर 15 मिनट तक ऐसे ही स्टीम होने देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम खोलकर देखते हैं। अब ये पक चुके हैं, इनका बेसन भी ऊपर से पक गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इन्हें इसी तरह छोड़ देंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं। अब ये सारे पॉकेट्स ठंडे हो चुके हैं, अब इन्हें हम चाकू की हेल्प से इस तरह हल्के हल्के हाथों से खरोचते हुए निकाल लेंगे। और फिर हम ब्रेड के एक पॉकेट्स को लेकर इस तरह छोटे छोटे स्लाइस में कट कर लेंगे। ये हमने सारे स्टीम पॉकेट कट कर लिए हैं। आप चाहे तो इन्हें ऐसे ही सर्व करें, चटनी या सॉस के साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और आप चाहे तो इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं। हम आपको इन्हें फ्राई करके दिखाते हैं। फ्राई करने के लिए हम पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल, एक छोटी चम्मच सरसों के दाने, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर प्याज को हल्का भूरा होने तक हम फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई होने के बाद इसमें हम डालेंगे एक कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च डालकर टमाटर को चलाते हुए हम थोड़ा सा गला लेंगे। टमाटर अब पक चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच टोमेटो सॉस, एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस डालकर मिला देंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे बनाए हुए ये स्टीम पॉकेट्स। और डालकर मसाले में इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। और हल्के हाथों से पलटते हुए इन्हें हम दोनों तरफ से थोड़ा सा सेक लेंगे। अब मसाला इनमें अच्छे से मिल चुका है और ये दोनों तरफ से हल्के हल्के सिक भी चुके हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और डाल देंगे इस पर हम थोड़ा सा धनिया पत्ता और इन्हें हम सर्व करेंगे। ये हमारे बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और चटपटे ब्रेड स्टीम्ड पॉकेट बनकर तैयार हैं। आप इन्हें कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। आप इसे चटनी या सॉस के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।